जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। लॉकडाउन का असर आजकल ना ऐसे बालों पे और दाढ़ी पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी तो नहीं सही करा सकते। तो बात है उन दिनों की जब मैंने रिव्यू किया था एक स्काईविक मैक्रो लेंस का। तो अभी तो मैं गांव में उसको लेके नहीं आया हूँ, वो तो सेटअप पे है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था काफ़ी कमाल का आता है। इवन उसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का भी जो लेंस मिलता है उससे आप ना ऐसे मेन कैमरे से वाइड फोटोज ले सकते हैं नाइट मोड कुछ इस तरीके से। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम का लगा था और मैं इसे रिकमेंड भी कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सेम, मेरे पास एक डब्बा आया था ना, उसमें दो तीन लेंस थे। एक था एनामॉर्फिक लेंस, उसका जब मैंने रिव्यू किया, वो लेंस मैंने इसलिए रिव्यू किया क्योंकि अभी तक किसी ने शायद इसका रिव्यू नहीं किया था अपने यहाँ, लेकिन काफ़ी महंगा था और वो सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। बट ये था कि आपको पता लग जाए कि वो था क्या। और ये एक और मेरे पास टेलीफोटो लेंस है स्काईविक का, और ये है 60mm स्काईविक लेंस। तो बात करते हैं इस टेलीफोटो लेंस की। पैकेजिंग के मामले में ये थोड़ा सा मैं तारीफ कर दूंगा, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग आप देख सकते हो। पहले एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर फिर एक और बॉक्स मिलता है, जैसे अंदर से हीरे जवाहरात निकलने वाले हैं। फिर अंदर एक और बैग मिलता है, इसे आप कैरी बैग बोल सकते हैं। इसमें हैंगर भी मिलता है, ऐसे आप इसको लटका के ले जा सकते हैं। और जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक और कैरी पाउच भी दे रखा है इन्होंने। उसके बाद ये हमारा मेन लेंस है, जो कि पूरा मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन से बना। इवन इसका जो ये कैप है ये भी मेटल का है। तो क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लेंस है। और ये ना सभी लेंस के साथ एक क्लीनिंग क्लॉथ भी देते हैं, तो सारों की पैकेजिंग इस तरह से ही दे रखा है इन्होंने। साथ में ये होल्डर मिलता है, इसको यहाँ पे आपको सिंपली लगाना है। और ये स्मार्टफोन पे स्क्रैच ना पड़े इसके लिए यहाँ पर ये प्लास्टिक का काफ़ी सॉफ्ट सा जो भी है, लेकिन इससे स्क्रैच तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा आपके फ़ोन के ऊपर। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस लेंस का जो शेप है, टेलीफोटो लेंस का जो शेप होता है ना, वो होता है स्फेरिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पेट निकला हुआ है। तो इसकी टेस्टिंग करते हैं स्मार्टफोन पे। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी लेंस होता है, कितना भी सस्ता या महंगा हो, पहली बात तो जो सस्ते वाले आते हैं 200-400 के सब यूज़लेस हैं। इनकी जो आउटपुट है ना, वो हमेशा स्मार्टफोन के कैमरे पे डिपेंड करता है। वो जितना बेटर होगा उतना ही बेटर ये काम करेगा, सीधी सी बात है। तो टेलीफोटो लेंस का काम होता है ऑप्टिकल जूम करना। जैसे स्मार्टफोन में अलग से टेलीफोटो लेंस दिया जाता है ना 2x 3x, तो कुछ इस तरीके से ये भी काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्मार्टफोन पे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से जूम करेगा, और जैसे हटा देंगे तो ये डिस्टेंस इतना ये कवर करता है। 60mm बेस्ड है ये, और दो फोटो भी दिखा देता हूँ ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस मैनेज करता है। तो एक तो ये बेसिक काम होता है हर टेलीफोटो लेंस का, चाहे ये वाला लेंस हो चाहे स्मार्टफोन में दिया हो। दूसरा काम क्या होता है कि ये ऐसे पोर्ट्रेट इफेक्ट देता है, बैकग्राउंड में क्या करता है, बुके इफेक्ट देता है। इवन DSLR वगैरह पे बड़े बड़े टेलीफोटो लेंस वगैरह आते हैं, ये जो क्या करते हैं, भूल गया था थोड़ा सा, जैसे एनिमल फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी छुप छुप के करते हैं ना जंगलों में, वहाँ ये बहुत ज़्यादा कमाल का रिजल्ट देता है। पर ये स्मार्टफोन के लिए है। स्मार्टफोन में टेलीफोटो लेंस भी यूज़ किया जाता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, कुछ फ़ोन में नहीं करते। ये लोग ऐसे पॉपअप बनाते हैं आपका, सिर्फ जूम करने का काम आता है। तो इसकी बात करते हैं, तो मैंने इससे चेक किया, हाँ अगर आप इससे फोटो क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा बुके इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। एक तो जूम हो जाएगा, जूम होने के बाद आपका क्या होगा, क्वालिटी एक तो अच्छी मिलेगी, जो आप नॉर्मल डिजिटल जूम करते हैं उससे बेटर मिलेगा। एक काम करते हैं, ये वाली फ़ोटो क्लिक करते हैं। जैसे अभी मैंने ये लेंस लगाया हुआ है मेन मोड पे, अभी हमारा कैमरा, तो ये ना ऐसे बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट तो आपको मिलता है, ये देख सकते हो आप, ऐसे मस्त सा मिलता है। ये मैंने क्लिक किया फ़ोटो को, और अगर मैं लेंस को हटाता हूँ तो अभी ये एकदम मतलब बुके इफेक्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं नज़दीक चला जाऊँ इसके और फिर यही फ़ोटो क्लिक करें, तो फिर आपको बुके इफेक्ट तो आपको सेम ही मिलेगा दोनों फ़ोटो में। जैसे ये वाली फ़ोटो है और ये वाली फ़ोटो है, इसमें फ़र्क बताना अभी मुश्किल है। मतलब ये है कि इसे लगाएंगे बुके इफेक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है क्योंकि जूम कर देता है, लेकिन अगर वैसे चाहिए थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा बिना लेंस के तो भी बुके इफेक्ट मिल जाएगा। दोनों फोटो आप देख सकते हो, इन दोनों फोटो में पता ही नहीं लगेगा किस पे लेंस लगा था किस पे लेंस नहीं लगा था। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कई लोग सोचते हैं एकदम ब्लर कर देगा बैकग्राउंड में DSLR की तरह, ऐसा नहीं है, ये ब्लर करता है अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये काम करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम बॉलीवुड मूवी की तरह या फिर एकदम ब्लर कर देगा जैसे आप सोच रहे हो, कुछ उस लेवल का ब्लर नहीं मिलेगा।
ये बहुत बड़ी मिथ है टेलीफोटो लेंस से रिलेटेड, मतलब स्मार्टफोन के लिए जो आते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से लेंस है। अगर इसके साथ ऐसा रिजल्ट मिल रहा तो जो सस्ते वाले आते हैं आप खुद सोच लो। और सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, मैक्रो लेंस मुझे काफ़ी कमाल का लगा, मैं रिकमेंड कर देता हूँ उसको, अगर आपको बाय करना बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करता, काफ़ी प्रीमियम लेंस है और काम करता है। तो बात सीधी है कि पोर्ट्रेट मोड का जो फीचर है आजकल हर स्मार्टफोन में मिलता है। एक टाइम था जब ये फीचर नहीं मिलता था, तब ये टेलीफोटो लेंस ज़्यादा पॉपुलर होता था और जूम करने के काम आ जाता है। तो आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। अभी सभी मिड रेंज में तो नहीं मिलता, लेकिन मिड रेंज में आप 4000 रुपये अगर लगाओगे तो आप ऐसे थोड़ा नज़दीक भी तो जा सकते हो ना। 4000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है। और सस्ते वाले लेंस तो बिल्कुल चीप क्वालिटी के बेकार होते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी है, अगर आपको यूज़ करना आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। और इनकी वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे लेंसेज आते हैं, तो जो काम का लगे मुझे इससे ज़्यादा वो ज़्यादा काम के लगे। आपको कौन सा काम का लगा मुझे कमेंट करके बताना, मैंने सब कुछ बता दिया आपको इसके बारे में। और अंदाज़ा लगाने के बाद वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।